बीजेपी कांग्रेस पर, बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा वार। कहा, स्वर्ण मंदिर पर हमला कांग्रेस बीजेपी का प्लान था। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज की थी मिली भगत। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आज तक बताया जाता रहा कि स्वर्ण मंदिर पर हमला कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने करवाया, लेकिन यह अधूरा सच है। बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने किया बड़ा खुलासा। उन्होंने बताया कि 1984 में बीजेपी नेताओं ने इंदिरा गांधी पर तोपखाने से स्वर्ण मंदिर पर हमले के लिए उकसाया था, रोष मोर्चा करके जबरदस्त दबाव भी बनाया था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 1989 में मंडल आयोग के विरोध में राम रथ यात्रा, 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, 2002 में गुजरात का गोधरा कांड, 2014 में ऊना कांड, 2018 में भीमा कोरेगांव कांड और दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर तोड़ना, इन तमाम घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से लिप्त है। वहीं आज दिल्ली की सरहदों पर चल रहे किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ नज़रअंदाज ही नहीं बल्कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार में भी भागीदार है। और इसी कारण से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने तमाम मतदाताओं से अपील की है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों तथा 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकालें। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।